डियर स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ रोहित, हार्ड रोम स्किल सेंटर हांसी। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर टॉप एंड बॉटम रूल्स, अबव एंड बिलो एवरेज एंड उसके साथ साथ यूनिक एंड डुप्लीकेट वैल्यूज को हाईलाइट करना। ये सभी ऑप्शंस आप बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर कर चुके हैं। टॉप एंड बॉटम रूल्स, टॉप 10 आइटम्स, बॉटम 10 आइटम्स, टॉप 10 एंड बॉटम 10 एवरेज, अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज। बट इन्हीं ऑप्शंस को हम एडवांस फॉर्मेटिंग के अंदर यानी कि न्यू रूल के अंदर जाकर कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे आज टॉप एंड बॉटम वैल्यूज के लिए, जिसके लिए हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाकर न्यू रूल के अंदर हमें क्लिक करना है फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक वैल्यूज, जिसके अंदर हम हाईलाइट करना चाहते हैं टॉप 3 आइटम्स को। तो हमें यहाँ 3 टाइप करना है, उसके बाद फॉर्मेट सिलेक्ट करना है। तो फॉर्मेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, फॉन्ट कलर सिलेक्ट कर लीजिए, ओके। यानी कि हम इस सिलेक्टेड एरिया के अंदर से उन 3 आइटम्स को हाईलाइट करना चाहते हैं जो कि टॉप रैंक में है, उसके बाद ओके करेंगे। अब देख सकते हैं कि कंप्लीट सिलेक्टेड एरिया के अंदर से जो 3 वैल्यूज सबसे टॉप हैं वो सेल्स आपकी हाईलाइट हो गई हैं। और इसी सिलेक्टेड एरिया के अंदर ही अगर हम बॉटम वैल्यूज को हाईलाइट करना चाहते हैं तो हमें यहां से चेंज करना होगा बॉटम, यहां फिर से हमें एंटर करना है 3 और फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेना है। उसके लिए फॉर्मेट हम सिलेक्ट कर लेते हैं येलो एंड फॉन्ट कलर हम कर देते हैं ग्रीन, यानी कि अपोजिट फॉर्मेट, ओके करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बॉटम 3 आइटम्स को हाईलाइट कर दिया गया है। इसी तरह से सेकंड कॉलम को सिलेक्ट करके हम नेक्स्ट रोल यूज करते हैं, जिसके अंदर आप फॉर्मेट ओनली वैल्यू दैट आर अबव और बिलो एवरेज, जिसके अंदर अबव और बिलो एवरेज के अंदर आने वाले वैल्यूज को आप हाईलाइट कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहां से सिलेक्ट करना है कि आप अबव एवरेज को हाईलाइट करना चाहते हैं, बिलो एवरेज को, या फिर इक्वल और अबव एवरेज को, या फिर इक्वल और बिलो एवरेज को। तो हमें यहां से सिलेक्ट करना है अबव एवरेज, उसके बाद फॉर्मेट सिलेक्ट कर लीजिए आप रेड, ओके, और फॉन्ट का कलर हम ब्लैक रखेंगे और ओके कर दीजिए। तो इस कंप्लीट एरिया के अंदर जो टॉप एवरेज है, टॉप एवरेज कैसे, क्योंकि हमने आपको लास्ट सेशन के अंदर बताया था कि जब आप कोई एरिया सेलेक्ट करते हैं तो उस एरिया के अंदर से ऑटोमेटिक एवरेज जो है वो आपको स्टेटस बार के अंदर शो होती है, जो कि एवरेज आपको दिखा रहा है 375। तो 375 से अबव जो भी वैल्यूज होंगी वो सब आपकी अबव एवरेज के अंदर आती हैं, और 375 से बिलो जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सब आपकी बिलो एवरेज के अंदर आती हैं। तो अगर आप बिलो एवरेज को हाईलाइट करना चाहते हैं तो हम इसके लिए इसी सिलेक्टेड एरिया के अंदर ही रूल चेंज कर देते हैं। हमें यहाँ करना है बिलो एवरेज और फॉर्मेट सिलेक्ट कर लीजिए आप ब्लू, ओके। तो आप देख सकते हैं 375 से बिलो जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब आपकी हाईलाइट हो गई हैं। इसके बाद हम इन रूल्स को क्लियर कर देते हैं, जिसके लिए हमें कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाकर हमें क्लियर रूल के अंदर क्लिक करना है, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। इसके बाद अगर आप इस कंप्लीट एरिया के अंदर से डुप्लीकेट वैल्यूज को हाईलाइट करना चाहते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज आपने डुप्लीकेट यूज की हुई है, तो उसके लिए हमें सेलेक्ट करना है न्यू रूल और क्लिक करना है फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यूज। इसके बाद हमें यहाँ से सिलेक्ट करना होगा कि आप डुप्लीकेट को हाईलाइट करना चाहते हैं या फिर यूनिक वैल्यूज को। तो हमें डुप्लीकेट वैल्यूज पर क्लिक करना है और फॉर्मेट सेलेक्ट करना है आपको ब्लू एंड फॉन्ट कलर आपको चेंज करना है व्हाइट और बोल्ड कर देना है, ओके ओके। तो आप देख सकते हैं कि सभी वैल्यूज जो हैं डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, क्योंकि आपने फर्स्ट और सेकेंड कॉलम को सेम रखा हुआ है, थर्ड एंड फोर्थ कॉलम को भी सेम रखा हुआ है। तो इस तरह से आपको डुप्लीकेट वैल्यूज हाईलाइट मिल जाती हैं। अंडू कर देते हैं। इसके बाद अगर आप इसी रूल के अंदर से यूनिक वैल्यूज को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आपको क्लिक करना है यूनिक वैल्यूज और ओके कर देना है। अब देख सकते हैं कि सिलेक्टेड एरिया के अंदर आपको कोई भी चेंज नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने रूल तो अप्लाई कर दिया है बट आप उस रूल के अंदर फॉर्मेट सेलेक्ट करना भूल गए हैं। तो आपको इसके ऊपर दोबारा से रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हम आपको बताएंगे कि ऑलरेडी अप्लाई किए हुए रूल को किस तरह से एडिट करें। तो उसके लिए आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है मैनेज रूल्स,
यानी कि आपने सिलेक्टेड एरिया के अंदर जो भी रूल्स लगाए हैं वो सब रूल्स आपको यहाँ दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं कि आपने यूनिक वैल्यूज के लिए रूल अप्लाई किया हुआ है, बट उसके अंदर आपने कोई फॉर्मेट सेट नहीं किया, इसीलिए आपको यहाँ नो फॉर्मेट दिखा रहा है। बट आप यहाँ फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हैं तो आप चाहें तो यहाँ से न्यू रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, इस रूल को डिलीट भी कर सकते हैं, बट हमें इस रूल को एडिट करना है तो हमें क्लिक करना है एडिट रूल, और एडिट रूल के अंदर जाने के बाद हमें यहाँ से फॉर्मेट सिलेक्ट करना है। फिल कर देते हैं हम रेड एंड फॉन्ट कलर हम कर देते हैं वाइट, उसके बाद हम ओके करेंगे। ओके, तो इसे अप्लाई करके ओके कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि जो भी यूनिक वैल्यूज होंगी, जिन वैल्यूज को आपने कहीं दूसरी सेल्स के अंदर रिपीट नहीं किया हुआ है, तो वो सभी सेल्स आपकी हाईलाइट हो जाती हैं। तो ये थे आपके एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर टॉप एंड बॉटम रूल्स, अबव एंड बिलो एवरेज और डुप्लीकेट एंड यूनिक वैल्यूज। और उसके साथ साथ हमने सीखा मैनेज रूल्स, यानी कि जो रूल्स आपने लगा दिए हैं, अगर आप उस रूल्स के अंदर कोई भी एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।